तो गाइस आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस नए वीडियो में। जैसे कि आप सबको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो चुकी है, मतलब उन्होंने सुसाइड कर लिया। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद एक वर्ड है, इंग्लिश वर्ड, वो बहुत फेमस हो रहा है और वो है नेपोटिज्म। आज के जमाने में जिस बच्चे को एबीसीडी भी ढंग से नहीं आती उसको नेपोटिज्म के बारे में पूछो, वो सब बता देगा। अभी नेपोटिज्म है क्या? नेपोटिज्म मतलब सर्च मारते हैं। लेम गूगल, यू लेम गूगल। लेकिन आसान भाषा में बताओ कि सिर्फ और सिर्फ अपनों के बारे में सोचना, तो क्या अपनों के बारे में सोचना गलत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लोग अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो किसके बारे में सोचेंगे? लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप अच्छे आदमी को पीछे घसीट कर अपने को आगे बढ़ाते। और नेपोटिज्म कहाँ नहीं है, महाभारत, रामायण, सब तरह नेपोटिज्म है। राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये है नेपोटिज्म। आपके घर में, मेरे घर में, मेरे बाजू वाले के घर में, उसके बाजू वाले के घर में नेपोटिज्म है। और यही नेपोटिज्म बॉलीवुड में है। और मजे की बात यह कि आजकल बॉलीवुड में चल रहे नेपोटिज्म के खिलाफ इंडियन मीडिया बात कर रही है, जबकि वो तैमूर के हगने की भी रिपोर्टिंग करती है। और जब बॉलीवुड में नेपोटिज्म का नाम आता है तो सबसे ऊपर किसका नाम आता है? डायरेक्ट नहीं बताएंगे, स्टार किड्स की चाटने वाले, उनके बापों की छाटने वाले, टिकटॉकर से भी बदतर लेवल डांटने वाले और टैलेंटेड एक्टर्स को डांटने वाले। जी हाँ, आपने सही गेस किया, प्लस माइनस करण जौहर फ्री में मूवी बांटने वाले। भाई मैंने करण शौहर की फिल्मों में देखा है, ये हवा चलती है और हीरोइन स्लो मोशन में हीरो को गाली निकालती है, फिर हे करती है और हीरो को हीरोइन से प्यार हो जाता है। साले कितनी बार बोला कि उस नल्ले की पिक्चर मत देख। वैसे तो करण जौहर मूवीज का डायरेक्शन करते हुए पाया जाता है, लेकिन इनको बॉम्बे रिलोड जैसे सुपर फ्लॉप मूवी में एक्टिंग करते हुए भी पाया गया था। मेरे को मेरा हिस्सा चाहिए। कितना चाहिए? दो उंगलियां जाए इतना चाहिए। वो जॉनी मेरे सामने बैठे, अपना हिस्सा मांग रहे। तो काम कर, अपने टांगों के बीच का हिस्सा दे दे, वैसे भी तेरे पास है नहीं। हंस रहा है। और तो और करण जौहर नेपोटिज्म को इतना ज्यादा बढ़ावा देता है कि अवार्ड शो में जाके भी शुरू हो जाता है। तो चलिए मुद्दे की बात पे आते हैं। आप सब ने आपकी लाइफ में कम से कम एक मूवी करण जौहर की बिल्कुल देखी होगी। और करण जौहर की मूवी में होता क्या है? वैसे तो होता कुछ नहीं है, सिर्फ लव ट्रायंगल दिखाया जाता है। लव ट्रायंगल को अपन अपनी सादा सिंपल भाषा में कहे तो थ्री सम्स। नॉटी अमेरिका। और करण जौहर की मूवी में ज्यादातर एज अ मेन लीड स्टार किड्स को लॉन्च किया जाता है। और ये स्टार किड्स को इसीलिए लॉन्च करता है क्योंकि ये खुद के किड्स लॉन्च नहीं कर सकता। और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद करण जौहर कहता है। तो मेरा खड़ा खड़ा सोता है, क्या करूँ हाय, कुछ नहीं होता है। इतनी शक्कर खाई तेरे माने कि तू कन्या राशि पैदा हो गया। और इस स्टार किड्स को पिक्चर में जाने के लिए बहुत बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है यार। It's exactly, and it's everyone thinks that you know it's all glamorous and I've gotten everything I've ever wanted, but I'm very grateful that I'm my dad's daughter and I wouldn't want it any other way. My dad has never been in a dharma film. He never went on coffee with Karan and so you know it isn't as easy as people say it is. I think everyone has their own journey and their own struggle. Yeah, and everybody, like I think everybody has their own struggle. Yeah, exactly. सबका struggle अलग होता है। But difference यही है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहीं का struggle शुरू होता है। और भाई टैलेंट की तो इसमें कुछ कमी नहीं है। मैं एक्चुअली मेरे टांग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूँ। हाउ क्यूट, इट्स माय टैलेंट। शो वेरी नाइस, ओह नॉट बैड। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। ठंडे के भाई, भाई ठंडे के, ठंडे के। अरे पनंजा अंडे, ये काम तेरे से अच्छा भेज कर लेती है, तो क्या बॉलीवुड में लॉन्च करा दे? It's my talent. It's my talent. It's my talent. It's my talent. How cute. लेकिन जैसे कि हर शेर के लिए सवा शेर मिल ही जाता है, तो वैसे ही करण जौहर के लिए कंगना रनौत है ना।
बोल चूड़िया बोल कंगना तो कंगना जी मैंने ऐसा सुना है कि करण जौहर का कोई शो भी है। उन्होंने खुद बताया हुआ है कि उनको बहुत अच्छा लगता है चुगलीबाजी करना, गॉसिप। उसके लिए उन्होंने एक शो भी बनाया हुआ है जिसमें वो ओपनली चुगलीबाजी करते हैं और जिसमें वो ओपनली ऐसा पूछते हैं कि आपके मतलब पैंट के अंदर चड्डी का क्या रंग है, किसके अंदर क्या चल रहा है, अगर आपको ऐसी सिचुएशन में उसके बिस्तर में उठेंगे तो उसकी वाइफ को क्या करेंगे। और उसी शो का नाम है कॉफी विद करण। और उसी शो के एक एपिसोड में हमारी बॉलीवुड की लेडी इमरान हाशमी आलिया भट्ट भी आई थी और उससे पूछा गया था कि रणवीर सिंह, वरुण धवन और सुशांत सिंह राजपूत के बीच में रेड करें, तो उन्होंने सुशांत का नाम सुनते कह दिया और इसी चीज को लेकर आलिया भट्ट को सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है और मुझे समझ में आ रहा कि उसको क्यों ट्रोल कर रहे हैं। क्यों यार, क्या गलती उसकी? उसको भारत का पंत प्रधान कौन है वो तक मालूम नहीं तो सुशांत की क्या उम्मीद रखोगे? तुम्हें साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट पता है? हाँ, सिंगापुर का प्रेसिडेंट पता है? हाँ, चाइना का प्रेसिडेंट? हाँ, चाइना का प्रेसिडेंट? हाँ, चाइना का प्रेसिडेंट? चाइना का प्रेसिडेंट? नहीं, चाइना का प्रेसिडेंट? चाइना का प्रेसिडेंट? चाइना का प्रेसिडेंट? चाइना मोदी जी है, बरोबर देख। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मुझे पता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। नहीं, अब पता चल गया शायद से। और उसी शो के किसी और एपिसोड में आलिया भट्ट को फिर से वैसा ही कुछ सिमिलर सा क्वेश्चन पूछा था सुशांत सिंह के बारे में, तो उसका ये आंसर था। Who would you kill, marry or hook up with? रणबीर कपूर, रणबीर सिंह, सुशांत सिंह राजपूत। Marry रणबीर, kill सुशांत, kill सुशांत, kill सुशांत। I am in a deep state of shock, no matter how much I think, and his fans. Namaste. क्या? अभी तो कह रही थी मेरे को मालूम नहीं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आलिया बेटी, अगर तुम्हारे पापा महेश भट्ट ने होते ना तो तुम्हें चार चौराहे पे चार लोगों के बीच चार चड्डियों के चार कॉम्ब बेचने पड़ते। चड्डी 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 चड्डी, एक से बढ़कर एक चड्डी, रंग बिरंगी डिजाइनदार खुशबूदार इज्जतदार चड्डी, हर कलर और डिजाइन और साइज और फ्लेवर की चड्डी, पार्टी वेयर चड्डी, कॉमन मैन से लेकर सुपर। तो फाइनली आलिया भट्ट के बारे में सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आलिया भट्ट हगली घट। क्या आपको पता है IPL के इतिहास में आज तक जितने भी सीजन हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा नो बॉल श्रीशंत ने डाली है और इस इन्फॉर्मेशन का और इस वीडियो का कुछ भी ताल्लुकात नहीं है। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता था कि कॉफी विद करण में सोनम कपूर भी आई थी। हॉट और नॉट, जस्ट दोस टू वर्ड्स। विराट कोहली हॉट, अरमान कोहली नॉट, रणबीर कपूर वेरी हॉट, इमरान खान एक्सट्रीमली हॉट, सुशांत सिंह राजपूत हाँ सुनाई दे रहा कान का बहना, कान में बस आना, कान के पर्दे में छिद्र हो जाना, कान के पर्दे में छेद 100% भर जाता है प्राणायाम के करने से। क्या इसको भी सुझाव मालूम नहीं? मतलब जिस आदमी के ट्रूबिट ने जॉन सीना ने पोस्ट डाली है, भले उसको कैप्शन नहीं डालना था लेकिन पोस्ट तो डालिए ना। हा? और इंडोनेशिया में उसके गाने बड़ी बड़ी बिल्डिंग पे लगा है। तुम्हारी जनरल नॉलेज वीक है। रामायण के अनुसार हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे? ऑप्शन रखूं, ए सुग्रीव, बी लक्ष्मण, सी सीता या डी राम? मुझे तो यही लग रहा है, सीता। एक्टिंग तुम्हें करनी नहीं है तो कम से कम जिस इंडस्ट्री में तुम काम करते हो उस इंडस्ट्री की तो जानकारी रखो। हा? सोनम दीदी, अगर आपके पापा अनिल कपूर ने होते ना तो तुम्हारी शादी किसी अमीर घर के सफेद टकले से नहीं बल्कि हमारे पीले बाल वाले गुलीगत से होती। माझी माई ना अगर तुला गुलीगत है के टीम बोल फिर भी गुलीगत करता बैंडेज बैंड आज के टीम पलते ना तुला। ऐसा नहीं कि करण के शो पे सिर्फ फालतू एक्टर्स आए बल्कि कुछ अच्छे एक्टर्स भी आए जैसे कि आमिर खान। One thing that you dislike about the industry but have to pretend to like is your show. और तो और अपने अक्षय कुमार भी आए थे। दीपिका, कटरीना, करीना, the most stunning actress. Why Aishwarya's name is not there? I'm not answering that now. You've just made me feel terrible. Thank you. Yeah, but I wonder, obviously, why Aishwarya's name is not there.
और तो और करण जौहर की फेवरेट कंगना रनौत भी आके आई थी. For your experience, who has given you more unnecessary attitude in the industry, female co-stars or male ones? I think you, Karan. Me? Yeah. So how do you gender that? I would be a man. See, most. I would be a man. माना जाता है वैज्ञानिकों का कि ये तीन योनियों से मिलकर एक बनता है, कुत्ता, गधा और इंसान. तो यार द कंक्लूजन, अपन नेपोटिज्म का क्या कर सकते हैं? तो आंसर इज अपन नेपोटिज्म का कुछ भी नहीं कर सकते. तो नेपोटिज्म का कुछ नहीं कर सकते तो हर स्टार किड को हिट देखा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ और शाहिद कपूर भी स्टार किड है, लेकिन उनमें टैलेंट है. भले ही टाइगर की एक्टिंग फालतू है थोड़ी सी, लेकिन उसमें डांस और जो मार्शल आर्ट करता है ना भाई, नंबर एक. और ऋतिक की तो बात ही ना भाई, और शाहिद कपूर के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि कबीर सिंह सब ने देखी. तो फिर एट द एंड मैं इतना कहना चाहूँगा कि भाई सपोर्ट उनको करो जो डिजर्व करते. ऐसे फालतू मालतू नहीं, वरुण धवन, फिरुण धवन, अपना अर्जुन कपूर, 8 फिल्में उसने ये दी फ्लॉप, फिर भी उसको यशराज की फिल्म मिल गई अगली वाली. मतलब ऐसा मत करो यार, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती. तो जाते जाते कैरी भाई का डायलॉग में करण जौहर के लिए बोलना चाहूँगा, दुनिया करण जौहर थी, करण जौहर है और करण जौहर रहेगी. अपनी स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाली दुनिया ना कहीं और जाके बसाना. तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे वीडियो घंटा भी मिस ना करने हो तो सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजा देना. तब तक के लिए.